हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले गाड़ी के सभी भागों को मशीनों की सहायता से बनाई जाती है। उसके बाद जब सभी भाग बन जाते हैं तो उसको वेल्डिंग की जाती है बड़े बड़े मशीनों की सहायता से। वेल्डिंग का पूरा काम हो जाने के बाद गाड़ी के जो भाग होते हैं उसको फिनिशिंग दी जाती है। उसके बाद गेट और बोनट सभी लगाए जाते हैं। उसके बाद इस गाड़ी को पेंट में डुबाया जाता है। इस गाड़ी का पेंट मशीनों द्वारा किया जाता है। देखा जाए तो इस गाड़ी में हर चीज़ मशीनों द्वारा ही होती है। मानव का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है इसमें। गाड़ी पेंट करके पूरी तरह तैयार होने के बाद इसमें अब बारी आती है इंजन और गेयरबॉक्स आदि लगाने की। तो अच्छी तरह से इसको फिट किया जाता है आदमियों के द्वारा। उसके बाद इसका जो शीशा है वो लगाया जाता है, डैशबोर्ड और जो साइड खिड़की वगैरह होते हैं सब लगाए जाते हैं। उसके बाद यह गाड़ी अच्छी तरह तैयार हो जाती है।